हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है सरकारी जॉब खबर में। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर 40 मार्क इंटरव्यू का महासंग्राम का क्लास हम शुरू किए हैं, जिसमें आज आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रमुख ट्रैफिक चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन, जो वन बाय वन सारे चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रथम चरण जो है क्वालिफाइंग नेचर का था, लिखित एग्जाम हुआ था। द्वितीय चरण आपका जो है दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप तथा गोला फेंक होगा, वह भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। तथा तृतीय चरण जो आपका होने वाला है, उसमें आपका मेरिट बनेगा, जिसमें 20 मार्क जीप चलाने से, 20 मार्क कार चलाने से तथा 20 मार्क जो है बस या ट्रक चलाने से मिलने वाला है। तथा 40 मार्क का आपका इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें 40 मार्क के इंटरव्यू में आपको जो है 20 मार्क जो है यातायात चिन्ह संबंधित, उसके बाद जो है नियमावली से संबंधित 20 मार्क होने वाला है। तथा 20 मार्क जो आपका होने वाला है, उसमें जो आपको पूछेगा कि गाड़ी के रख रखाव, लुब्रिकेंट, कूलेंट से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम आपके क्लास में लेकर आ गए हैं 40 मार्क इंटरव्यू का महासंग्राम प्रमुख ट्रैफिक चिन्ह संबंधित क्वेश्चन। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीतूसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। आइए दोस्तों, आज आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, शुरू करते हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे। देखिए, इस तरह का आपको क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा यह क्वेश्चन जो है चिन्ह जो है किस लिए है, यातायात चिन्ह संबंधित है क्वेश्चन है, दे देगा इस तरह का चिन्ह आपसे और आपसे पूछ लेगा किस लिए ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह है दोस्तों लो गियर के लिए। किसके लिए है? तो लो गियर के लिए यह चिन्ह है। थोड़ा मेरा आवाज़ प्रॉब्लम हो गया, गला फंसने का जो है थोड़ा आवाज़ थोड़ा फंस रहा है, इसीलिए जो है थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों। इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि क्या चीज़ चिन्ह है। तो लो गियर का चिन्ह है। इस साइन का मतलब होता है कि आने वाली रोड पर उतार है। इसका मतलब होता है कि आने वाला यह जो सड़क है, इस पर नीचे ढलान टाइप है, नीचे क्या है, उतार है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह जो है चिन्ह जो है किस लिए चिन्ह दिया है। तो यह चिन्ह जो आपको किस लिए है दोस्तों, यह चिन्ह आपको नैरो, यह चिन्ह किस लिए है? तो यह चिन्ह जो है किस लिए है, नैरो रोड के लिए। किस लिए है? तो नैरो रोड के लिए है। सड़क संकीर्ण चिन्ह दिया हुआ, इसका अर्थ होता है कि आगे जो है सड़क वह तंग है, मतलब संकीर्ण रूप से अगला जो है सड़क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह जो है चिन्ह दिया हुआ है, यह चिन्ह जो है किस लिए दिया हुआ है? इसका अर्थ होता है इस चिन्ह का जो है फिलिंग ऑफ रॉक्स। किसका फिलिंग? चट्टानों का गिरना। इस देखिए चट्टान है, यहाँ से जो क्या हो रहा है, चट्टान जो यहाँ से वन बाय वन करके गिर रहा है, तो चट्टानों का गिरना है। इसका मतलब होता है आगे रास्ते में चट्टान रोड पर है। क्या है? आगे रास्ते में क्या है? रोड पर जो है चट्टान है। तो इस आपको जो है कहीं से भी इंटरव्यू में 40 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग सब तरह का तैयारी करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह चिन्ह जो है दिया हुआ है, इस तरह का चिन्ह दे देगा और पूछ लेगा यह चिन्ह जो दिया हुआ है किस लिए दिया हुआ है। तो यह चिन्ह जो आपको दोस्तों हाई लिमिट के लिए दिया हुआ है। किस लिए दिया हुआ है? हाई लिमिट के लिए दिया हुआ है। किस लिए दिया हुआ है? हाई लिमिट, हाई लिमिट के लिए दिया हुआ है। यानी इस एरिया में दी गई लिमिट से ज़्यादा आप ऊँचाई वाले वाहन को जो है क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इतना ऊंचाई दिए हुआ है, इससे ऊंचाई वाले वाहन को आप क्या कर सकते, इस एरिया में क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि यह चिन्ह जो दिया हुआ है किस लिए यह चिन्ह दिया हुआ है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर जो है एनिमल रोड ट्रैफिक दिया हुआ है, इस चिन्ह है क्या क्या पशु का। देखिए यहां पर जो है आपको ये जो दिखा रहा है चिन्ह, यह जो है पशु का चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका चिन्ह का अर्थ होता है एनिमल रोड ट्रैफिक। इसका अर्थ होता है यहाँ पर पशुओं का डेरा है। क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर पशुओं का डेरा है, पशुओं का, पशुओं को, बहुत सारा पशुओं को यहाँ पर क्या किया गया है, तो रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह चिन्ह जो दिया हुआ है किस लिए यह चिन्ह दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यह क्या है? वन वे ट्रैफिक है। क्या है? वन वे, यह क्या है? तो वन वे क्या है? वन वे ट्रैफिक है। इसका अर्थ होता है कि इस एरिया में सिर्फ जो है एक दिशीय वाहन चल सकता है। देखिए दो साइड से है लेकिन एक साइड ये एक साइड का चिन्ह जो है क्या हुआ है, कटा हुआ है। ये चिन्ह देखिए कटा हुआ है। तो इस एरिया में जो है वन वे ही वाहन चल सकता है, एक दिशा में ही वाहन चल सकता है। गलत साइड में जो है वाहन चलाने पर जो है अनुमति नहीं है। क्या है? गलत साइड में, इस साइड से आप जो वाहन नहीं ले जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। इस तरह का आपका जो चित्र देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपसे चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह चिन्ह जो है किस लिए दिया हुआ है। तो इस चिन्ह का अर्थ होता है कि दोस्तों हॉर्न
प्रोहिबिटेड क्या होता है, हॉर्न प्रोहिबिटेड, इस एरिया में जो हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है, अनुमति नहीं है, या आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ड्राइव करते हैं तो इस तरह के चिन्ह आपको रोड पर जहां मिले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो है इस एरिया में हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह का चिन्ह आपको दे देगा और पूछ लेगा यह चिन्ह जो है किस लिए दिया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए आप यहाँ देखिएगा, यह जो है खड़ी सड़क है, इस पर जो है वाहन को क्या किया जाए, चढ़ाई कर रहा है, तो आप इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आगे रोड पर जो है चढ़ाई आने वाली है, तो इस चिन्ह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि आगे जो है रोड सड़क पर जो है चढ़ाई आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि यह चिन्ह जो है दिया हुआ है किस लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है पैदल यात्री क्रॉसिंग, आप देखते हैं कि एक आदमी है, वह आदमी जो है यह फुटपाथ है, इस पर जो है एक आदमी जो है चल रहा है पैदल, तो इस चिन्ह से आप ये चिन्ह को ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है ये साइन जेब्रा क्रॉसिंग से पहले होता है, जिससे वहाँ गति को धीमी किया जा सकता है। इस तरह का चिन्ह है, तो यह चिन्ह जो क्या होता है, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होता है उससे पहले यह चिन्ह दिया जाता है। इसमें जो क्या किया जाता है, वाहन की गति, आप अपने गाड़ी का गति जो है कम कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिससे आप स्टूडेंट उलझे और आपका जो है मार्क कम आए, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह चिन्ह जो दिया हुआ है किस लिए दिया हुआ है। तो सड़क में फिसलन है, किस लिए दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यह सड़क में क्या है, फिसलन है। तो इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आगे की रोड जो है फिसलने वाली है, तो आप इस चिन्ह को ध्यान रखिएगा कि आगे रोड क्या है, फिसलने वाली है। आपसे जो है चिन्ह दे के पूछ सकता है क्वेश्चन दोस्तों, और आपसे जो है वन लाइनर टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस बात का आपके क्या कीजिएगा, इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। देखिए यह क्वेश्चन जो है दोबारा आ गया है, इसका अर्थ होता है दोस्तों हाई लिमिट, क्या होता है, इसका अर्थ होता है हाई लिमिट। तो इस यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका अर्थ जो है क्या होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। इस चिन्ह का अर्थ होता है कि मैन एट वर्क, क्या अर्थ होता है, मैन एट वर्क, मनुष्य पुरुष काम जो है कर रहा है, या पुरुष काम पर है, या कार्य प्रगति पर है, इसका अर्थ होता है। इस साइन का अर्थ होता है कि आगे रोड पर आदमी काम कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए एक आदमी है, यह आदमी है, यह जो है बेलचा लेके जो है कुछ सड़क पर काम कर रहा है, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह चिन्ह जो दिया हुआ है किस लिए चिन्ह दिया हुआ है। यह चिन्ह जो है दोस्तों नो पार्किंग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, तो नो पार्किंग का चिन्ह है। किस चीज़ का चिन्ह है, तो ये जो है नो पार्किंग का चिन्ह है। जिस जोन में जो वाहन खड़ा इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, तो इस जोन में जो है आप क्या कर सकते हैं, वाहन को जो है खड़ा नहीं कर सकते, वाहन को पार्किंग में नहीं लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो इस चिन्ह का अर्थ होता है नो ओवरटेकिंग, क्या अर्थ होता है, नो ओवरटेकिंग इसका जो है अर्थ होता है। इस साइन का अर्थ होता है, चिन्ह का अर्थ होता है कि आप जो है किसी वाहन से जो है आगे नहीं निकल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रोड के किनारे में दिया रहता है, इस तरह का चिन्ह दिया रहेगा, तो आप जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको जो है किसी वाहन से क्या करना है, आगे नहीं निकलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, चिन्ह दे देगा और पूछ लेगा कि यह चिन्ह जो दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, तो साइकिल क्रॉसिंग, इस तरह का जहां पर सड़क पर चिन्ह है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या है, तो यहां पर जो है साइकिल क्रॉसिंग है, क्या है, साइकिल जो है क्रॉसिंग है, क्या है, साइकिल क्रॉसिंग, यानी आगे जो है साइकिल का जो है क्रॉसिंग है, मीन्स आगे जो है साइकिल क्रॉसिंग है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह चिन्ह जो दिया हुआ है ये चिन्ह किस लिए दिया हुआ है, तो इसका चिन्ह का अर्थ होता है नो लेफ्ट टर्न, क्या होता है, इस चिन्ह का अर्थ नो लेफ्ट टर्न, क्या होता है, नो लेफ्ट टर्न, आप जो है इस चिन्ह को देखते हुए लेफ्ट तरफ जो है क्या कर सकते हैं, बाईं तरफ आप टर्न नहीं ले सकते, इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस तरह का चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा यह चिन्ह दिया हुआ है यह किस लिए है, इस चिन्ह का अर्थ होता है कि नो स्टॉपिंग, क्या अर्थ होता है, नो स्टॉपिंग, क्या अर्थ होता है, तो नो स्टॉपिंग इस चिन्ह का अर्थ होता है, इस चिन्ह का अर्थ होता है यहाँ पर वाहन को रोकने की अनुमति नहीं है। यह चिन्ह जहाँ दिए हुआ है सड़क किनारे, इस चिन्ह का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो आप क्या कर सकते हैं, वाहन को जो है नहीं रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, रिपीट हो गया है, तो आप देख लीजिए इसका अर्थ होता है नो लेफ्ट टर्न। क्या अर्थ होता है? नो लेफ्ट टर्न, नो लेफ्ट टर्न इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस तरह का आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है नो राइट टर्न। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नो राइट टर्न। क्या होता है? नो राइट टर्न। इसका अर्थ होता है नो राइट टर्न। इस चिन्ह को देखते हुए आप सड़क पे जो है दाईं तरफ क्या कर सकते हैं? नहीं मुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,